हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और इस टाइम बज रहा है सुबह का 6 और ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, तो जल्दी से फ्रेश होते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं आगे। मैं यार ऑफिस के लिए रेडी हो गया हूँ, क्योंकि यार पहले 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि खाने पीने इतना देर लेट हो जाता था कि ऑफिस जाने में निकलने में लेट हो जाता था मुझको। तो अब मैंने क्या किया है कि मैं पहले रेडी हो गया हूँ, उसके बाद मैं अपना नाश्ता करूंगा। अभी खैर मैं 2 दिन से लीव पे था, उससे पहले मैं क्या हो रहा था, 2-3 दिन से लगातार मैं लेट हो जा रहा था। तो इस बार मैंने पहले मैं रेडी हो गया हूँ, अब मैं अपना नाश्ता करने जा रहा हूँ। तो ये है मेरा नाश्ता। नाश्ते में खाली मैं दूध ही लेना पसंद करता हूँ, और चाहे बिस्किट मिल जाए या रस्क मिल जाए। आज मैं यहाँ एक ये बन लाया हूँ, और ये देखिए कितना बड़ा बन है ये देखिए, मतलब जो एक नॉर्मल साइज होता है उसके ये डबल है। ये कल मैं जहाँ प्रोग्राम करने गया था वहाँ मुझको ये मिला था, ये देखिए। और इस पर देखिए चेरी कितनी इसमें भरी हुई है, ये देखिए। इसको मैं हाइट साइज से दिखा दूँ, ये देखिए कितना बड़ा बन है। वैसे जो नॉर्मली साइज होते हैं इसका वो आधा होता है, ये इसका डबल है। और जो चेरी वगैरह का जो इसमें डाला गया है वो कितनी अच्छी तरीके से डाला गया, ये देखिए। तो आज का जो सुबह का नाश्ता होगा वो इसी से होगा। तो गाइस, आज ठीक टाइम से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। इतना टाइम मुझे मिल गया था कि मैं पेट्रोल भरवा लिया और अंदर आ गया हूँ मैं। तो गाइस, आज ठीक टाइम से मैं ऑफिस पहुँच गया हूँ, और इतना टाइम मुझे मिल गया था कि मैंने पेट्रोल भरवा लिया था, क्योंकि रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, वो भरवा लिया। तो सीधा ऑफिस में आ गया। ये है मेरा चैम्बर, और ये मैं अपना सिस्टम वगैरह ऑन कर लेता हूँ। और बहुत कुछ कस्टमर खड़े हैं, यानी कोई पेशेंट खड़े हैं, तो उनको भी अभी डील कर लेता हूँ। तो काम शुरू करने से पहले मैं आपको अपना ऑफिस दिखा दूँ। अभी मैंने ये वाला डोर खोला नहीं है, अभी इसको मैं खोलूँगा और उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा। ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे बैठता हूँ, ये मेरी सीट है, और ये कुछ इस टाइप का मेरा कैबिन है। तो गाइस, आज मैं आपको वो जगह पे लाया हूँ जो लास्ट ईयर जो सेकेंड वेव कोविड में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई थी। मैं पीछे आप देख रहे हैं, ये बैकुंठ धाम का एरिया है। मैं भी जूम करके आपको कोशिश करूँगा दिखाने की। तो जब ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी पड़ गई थी, तो यहाँ पे डेड बॉडीज़, मतलब मैंने खुद गिना था कि 50 से ऊपर यहाँ पे डेड बॉडीज़ वगैरह सब यहाँ पे जलाई जा रही थी। और यहाँ से जहाँ पे इस टाइम मैं खड़ा हूँ, यहाँ से BBC वालों ने पूरा इसको कवर किया था। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी, जिसकी वजह से सेकेंड वेव में जो 14 दिन का फिर से लॉकडाउन लगाया गया था। ये वही जगह है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये पास से मैं आपको दिखा सकूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे वैसे तो काफ़ी बॉडीज़ जैसे जो क्रियाक्रम होता है, जो इंतज़ाम है, लेकिन जब कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि जो मुझे वहाँ पे देख रहे हो टीन शेड, उसके आगे से जो बॉडी जलना शुरू, मतलब इतनी ज़्यादा डेथ हो रही थी ऑक्सीजन की वजह से, वहाँ से लेके मैंने खुद देखा था कि यहाँ से लेके वो लास्ट कोने तक, जहाँ तक कैमरा शूट दिखाई दे रहा है कैमरे से, वहाँ तक लगातार बॉडियाँ जली रही थी। तो इतना कोविड की वजह से इतना लॉस हो गया था लोगों की ज़िंदगी का। तो उसके बाद से यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हो गया था, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि शायद BBC वर्ल्ड वाले ही थे जो जिन्होंने पूरा कैप्चर करके ये वायरल हुआ था उनका वीडियो। बहुत सारी मतलब और क्या हुआ था बाद में, ये इस एरिया में बाद में टीन शेड से उसको कवर कर दिया गया था यहाँ पे, इनका जो है पूरा पूरा, ताकि जो है मीडिया उसको पूरा कवर ना कर पाए। तो यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन का काम चल रहा है, ये देखिए। यहाँ पे यहाँ से जो आसपास के लोग रहते हैं तो यहीं पे आके वो मूर्ति विसर्जन करते हैं, ये देखिए। काफ़ी अच्छा लग रहा था, पूरा ढोल ढोल वोल सब बजाते हुए सरदार विसर्जन करने के लिए। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद से लेके आज तक अब शूटिंग गया कि मुझको टाइम मिला है, तो मैं जा रहा हूँ जो मेरा फूड वाला ब्लॉग है उसकी शूटिंग करने। ये कुछ वाटर्स बॉटल हैं, इनकी आज मैं रिव्यू करूँगा। जैसे मैंने एक बार, मुझे लग रहा है याद आ रहा है, शायद मैंने आपको एक बार दिखाया था, ये देखिए सारी बॉटल्स मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर ली हैं, और इसी का मैं रिव्यू करूँगा, पी के बताऊँगा किसमें क्या क्या चीज़ है। तो सेटअप मेरा देखिए ऐसा होता है, देखिए अगर मैं दिखाऊँ, ये देखिए टेबल है और इस पर फटी सी चादर है।
भाई ब्लॉग बनाना आसान बात नहीं। आप लोग हो सकता सोचते हैं बड़ा आसान है, मोबाइल लेके खड़ा हो गया। देखिए ये देखिए, मैं नीचे एक टेबल लेके आया हूँ, उसको मैंने अपने बेड पे रखा है। एक फटी सी चादर उस पर मैंने बिछाई हुई है, और बहुत ही जल्दी इसका ब्लॉग आएगा। उसमें देखिएगा किस तरह से हम लोग शूट, मतलब हो सकता है मैं शूट करके ना दिखा पाऊँ, क्योंकि यही मोबाइल कैमरा मुझको यूज़ करना है। तो ब्लॉग में आप पूरा डिटेल देखिएगा मैं किस चीज़ का रिव्यू कर रहा हूँ। फिर मैं आपको छोटा सैंपल दिखा दूँ, ये कुछ वाटर बॉटल्स हैं, इसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये बॉटल मेड इन फ्रांस है, इसको मैंने मंगवाया है। इसका मैं बहुत सुना था इसके बारे में, तो मैं इसका रिव्यू करूँगा। तो कुछ इस तरीके से मेरा सेटअप है। ये देखिए, अभी आगे जो मैं मैगी और पास्ते का भी जो ब्लॉग बनाऊँगा वो कुछ इसी तरह सेटअप रहेगा, इसी तरह मैं बनाऊँगा। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो हेलो हेलो। तो दोस्तों, शूटिंग करने से पहले कुछ सेटअप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये सेटअप दिखा दिया है, और ये माइक लगा हुआ है। माइक भी ये चेक करना पड़ता है, इसमें आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। और प्लस ये हमारे छोटे भाई साहब हैं जो कि हमारे वीडियो में शूट करेंगे, ये भी साथ में रहते हैं, प्लस एडिटिंग भी यही करेंगे। बाकी ब्लॉग वगैरह जो मैं पर्सनल डालता हूँ उसकी मैं खुद करता हूँ, लेकिन जो फूड ब्लॉग आते हैं उनकी एडिटिंग वगैरह ये खुद करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये सेटअप वगैरह होता है। तो अभी मैं शूटिंग करने जा रहा हूँ, तो आगे मैं बताऊंगा कि आगे मुझे क्या करना है। तो दोस्तों, ये किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है, ये मॉडर्न टी एंड मॉडर्न बेकरी, क्योंकि ये जो बहुत ही मशहूर बेकरी है हमारी तरफ की, तो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो ये देखिए गिफ्ट काफ़ी सुंदर लग रहा है, अभी खोल के मैं अंदर देखूंगा कि सुंदर क्या है। पहले तो इसकी पन्नी का वो उखाड़ते हैं, और ऊपर ये देखिए इसमें बिस्किट्स हैं, कुछ हॉट डॉग टाइप का इसमें दिया है, क्रीम बन दिया है इसमें, और ये क्या चीज़ है, कुछ ये भी कुछ है, कोई स्पाइसी चीज़ मुझे लग रही है ये सब है। तो देखने काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इसको कुछ देर बाद मैं खाऊंगा। ये क्रीम बन है, और ये कुछ हॉट डॉग टाइप का कुछ है, बिस्किट्स वगैरह हैं। ये मैं कहीं गया था तो वहाँ उन लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया था जो ये आप। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। दिन भर की थकान के बाद अब वो लेटने का टाइम आ गया है। इस टाइम बज रहा है रात का 12:30। तो एडिटिंग का थोड़ा काम बाकी है, उसको मैं पूरा करने के बाद फिर सो जाऊंगा। तो मिलते हैं सुबह आपसे एक नई शुरुआत के साथ। और कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। और जब तक आपने इंजॉय की वीडियो को हमारी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल, बाय।